देखिए आज मैं आई हूँ हमारा संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए, और यहाँ मैंने सदस्यता की वृक्षारोपण किया, और इसके बाद अब मैं अपने अगली सदस्यता के पड़ाव पर पहुँचूंगी। परंतु आपका जो प्रश्न है 370 वाला और पीओ के वाला, तो इसमें मैं एक बात बता दूं, आपने संसद में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष महोदय और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का अगर आपने संसद में भाषण सुना होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पीओके हमारे देश में ही है, कश्मीर में ही है, और जो पूरा भाग है वो उसमें सम्मिलित 370 हट गई, अर्थात हमारा अखंड भारत बन गया। वो हमारे अंदर की समस्या है, हमें उसको कैसे व्यवस्थित करना है, उसमें कैसे नियम बना करके हमें शांति स्थापित करनी है, ये उसका उद्देश्य है। वो भाग अलग नहीं है, और हमारे माननीय अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम उसके लिए जान दे दें अगर किसी ने इसको अलग करने के लिए कहा भी, क्योंकि वो अलग भाग है ही नहीं और उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है और वो अखंड भारत में है हमारे। और भारत अखंड होने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो अलग करने का प्रयास किया जा रहा था, उसकी जो भी हम सबके मन में, सभी देशवासियों के मन में जो पीड़ा थी कि हमारे देश का एक भाग कांग्रेसियों ने जिस तरह से समझौते करके उस पर जो 370 लगाई थी, अनुच्छेद 370 और 35 से, वो हमारे लिए एक कलंक था और वो हट गया है। अखंड भारत की जय। शिवराज सिंह चौहान ने अपराधी कहा था बकायदा पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को, उन्होंने कहा था कि अपराध किया था ये 370 धारा वहां लगा करके, क्या आप सहमत हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी अखिल भारतीय अधिकारी हैं, और वो जो कहेंगे वो बिल्कुल विचार करके ही कहेंगे। आप मानते हैं हमारे भारत को जो भी पीड़ा पहुंचाएगा, हमारे भारत को जो भी खंडित करने का प्रयास करेगा, वो निश्चित रूप से अपराधी होगा, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस जो है वो धारा 370 का समर्थन करते नजर नहीं आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए इस बार तो मुझे स्पष्ट है कि देशभक्त बिल्कुल उनकी श्रेणी अलग हो चुकी है, और देशभक्त हमारे देश में जिस तरह से उल्लास मना रहे हैं और जो रो रहे हैं, वो देशभक्त तो नहीं हो सकते। अनुच्छेद 370 हटने पर, 35 से हटने पर जो लोग प्रसन्न हैं, हमारे देश पर गर्व कर रहे हैं, हमारे देश के नेतृत्व तो माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी पर गर्व कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं, और ये परिभाषा इस बार सिद्ध हो गई है कौन देश के साथ है और कौन देश के विरुद्ध है।